લોકડાઉનનો ચોથો તબક્કો શરૂ થતા જ વતન જવાના નામે પરપ્રાંતી શ્રમિકોએ ધમપછાડા કરી રહ્યા છે. પાંડેસરા વિસ્તારમાં આવેલા સિદ્ધાર્થનગરમાં જમવાનું ઓછું મળતા શ્રમિકોએ વતન જવાની માંગ કરી છે. પાંડેસરામાં સિદ્ધાર્થનગર શ્રમિકોને હાલાકી પડી રહી હોવાની રાવ કરતા નારેબાજી કરવામાં આવી હતી. અંદાજિત 5,000 શ્રમિકોની સામે 2,000 લોકોનું જમવાનું આવતા ઉશ્કેરાટ ફેલાઈ ગયો હતો. સિદ્ધાર્થનગરના શ્રમિકોએ માંગ કરી હતી કે જમવાનું પૂરું આપો, ક્યાં તો અમને અમારા વતન જવા દો તેવા નારા લગાવ્યા હતા. સમગ્ર મુદ્દે પોલીસે સમજાવટથી કામ લીધું હતું. જી સર, આપકા નામ, આપકો ક્યાં સમસ્યા ઓર કોનસી જગા રહેતે હો આપ? મેં સચિન રાઉત, સિદ્ધાર્થનગર ગલી નંબર 13 સે બોલ રહા હું. ये खाने को तो एक नहीं मिल रहा है, खाने को दो दिन से कम आ रहा, एक तपेला आ रहा. फिर दो दिन अच्छा आया, मतलब 3 दिन तपेला आया, फिर एक तपेला आया परसों, आज भी एक तपेला आ रहा. यहाँ 2-3-4 हज़ार बस मतलब पब्लिक रहती है यहाँ, तो इतना में कैसे होगा? तो क्या दिक्कत पड़ रही है आपको, सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से मेरा ये मांग है, खाने में बराबर दो, पैसा वैसा है नहीं, गांव नहीं तो भेज दो. गांव जाने के लिए क्या समस्या हो रही है? गांव जाने का एक तो टिकट नहीं मिल रहा है, सब ब्लैक हो जा रहा है. टिकट 700 का टिकट हो तो 1500 कोई बेच रहा है, कोई 2000 बेच रहा है. गरीब आदमी कहां से लाएगा इतना पैसा? सरकार को क्या कहना चाहोगे आप? सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ, खाना एक तो बराबर दो, नहीं तो फिर हमको गाँव भेज दो. और टिकट जो है, टिकट सही भाव होनी चाहिए. अभी हम इतना बड़ा आदमी नहीं है कि 2000 बोलेगा तो मैं ले लूँगा. गरीब आदमी, खाना नहीं मिल रहा तो 700 रुपया तो भारी है जेब से निकालना. जी सर, आपका नाम, कौन सी जगह रहती है और क्या दिक्कत हो रही है? मेरा नाम प्रशांत कुमार सेठी है और मैं बेस्तान सिद्धार्थनगर बोलो मैं बेस्तान सिद्धार्थनगर में रहता हूँ. यहाँ पर 6,000-7,000 आदमी रहते हैं और यहाँ पर खाना आता है 2,000 आदमी के लिए. पहले आता था बराबर 6,000-7,000 के आदमी के लिए, अभी आता है 2,000 आदमी के लिए. किसी को भी नहीं होता है और उसमें किसी को भी खाना बराबर नहीं मिलता है और सब लोग खाने के लिए बहुत हैरान हो चुके हैं. और बाकी होगा, जितना जल्दी होगा वहाँ पर खाना अच्छे से मिलेगा तो और अच्छा रहेगा. खाना भी नहीं मिल रहा है और इधर सब लोग फंस के हैं, गांव जाने चाहते हैं, कोई गांव भी नहीं जा पाता है. और होगा तो गांव भी भेज देंगे और अच्छा रहेगा, खाना नहीं मिलेगा तो. आपकी क्या मांग है? मांग है खाना, एक तो खाना बराबर से आना चाहिए, खाना नहीं आएंगे तो सबको गांव भेज दीजिए. गांव जाने के लिए आपने टिकट बुक करवाई है? हाँ, फॉर्म तो हमने डाली है, अभी तक कोई गाड़ी भी टिकट भी नहीं मिल रहा है और जहाँ पर मिल रहा है वो लोग चला जाते हैं. हमारे वहाँ पर एक ही भी आदमी नहीं गए और बोलते हैं कि यहाँ से चला गए, यहाँ से चला गए, यहाँ से कोई भी नहीं गया है. जी आंटी, आपका नाम, आपको क्या समस्या है और कौन सी जगह रहते हो आप? मेरा नाम सुनीता केवट है. हम लोग बेस्तान सिद्धार्थनगर झोपड़पट्टी में रहते हैं और हम लोग को खाने की बहुत तकलीफ हो रही है. और खाना आता है, पहले आता था 4-5 हज़ार आदमी यहाँ रहते हैं, अभी 2,000 का खाना नहीं पूरा पड़ रहा, 2,000 आदमी का खाना नहीं पूरा पड़ रहा. आप क्या चाहते हो? हमको फुल खाना चाहिए, पेट भर के खाना चाहिए, नहीं तो फिर हमारी व्यवस्था कर दें, हम लोग गांव चले जाएंगे. कितने लोगों का खाना आ रहा है अभी? अभी तो समझ लो, अभी एक पतीला है, चावल है, एक तो में दाल है, 5-6 गली का, ऐसे में कैसे होगा, पूरा होगा? तो आपकी मांग क्या है सरकार से? सरकार से हमारी यही मांग है, ये तो फुल खाना दें पेट भर के, ये तो फिर व्यवस्था कर दें गाँव जाने के लिए, तो अपने गाँव में सब कोई चला जाएगा.